एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी के सामने इच्छा जाहिर की। वे ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, गुरु बनाना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा, कल सुबह प्रातः धरती पर तुम्हें जो सबसे पहले दिखाई दे उसे गुरु बना लेना। सुबह सुबह वह भोर उठने से पहले धरती पर आ गए। उन्हें सबसे पहले सुबह सुबह एक मशक मिला। मशक का काम चमड़े के थैलों में पानी भर के शहरों में छिड़कना था। उसे देखकर नारद जी को लगा, इसे अपना गुरु कैसे बनाओ। पर ब्रह्मा जी ने ऐसा ही करने को कहा था, इसलिए नारद जी ने मशक को अपना गुरु बना लिया। पर उनके मन में बहुत से प्रश्न और बहुत सी शंकाएं उठ रही थी कि मैं इतना बड़ा ब्राह्मण और मेरा गुरु इतनी नीची जात का। यह शंका नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि गुरु पर शंका करने वाले को 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ती हैं। नारद जी घबरा गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस गुरु पे शंका की है उसी गुरु से उपाय मिलेगा। नारद जी अपने गुरु मशक की तरफ चल दिए। गुरु के पास पहुंचकर सारी बात बताई। गुरु हंस पड़े और बोले, बस इतनी सी बात। गुरु ने एक बड़े से धरती के नक्शे का प्रबंध कराया और नारद जी से कहा, इस पर लेटकर 84 बार लोटो। नारद जी ने बिना शंका के ऐसे ही किया। गुरु ने कहा, नारद जी अब आपके 84 जन्म कट गए, अब आपको 84 के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। फिर नारद जी खुशी खुशी ब्रह्मलोक को चले गए। इससे हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी अपने गुरु पे शंका नहीं करनी चाहिए। गुरु के पास हर समस्या का समाधान होता है।